The topic of this video is conversion of flip-flops, means if you want to convert one type of flip-flop into another type, then how to do that. We will see that in this video. For an example, if you want to convert JK flip-flop into T flip-flop or JK flip-flop into D flip-flop, then what we need to do for that. So before starting this video, you must have the knowledge of truth table, how to build truth table of different flip-flops, and how to build excitation table. Truth table or excitation table kaise bante hain different flip-flop ke, uski knowledge aapko honi chahiye, so that you can better understand this topic. So I am assuming ki aapko uski knowledge hai. So we are starting with our video. So steps hote hain iske kuch. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान के चल रहे हैं कि हमें हमारे पास दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप एक्स. एक्स अब कुछ भी हो सकता है, जे के हो सकता है, टी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है. और हम उस जे के फ्लिप फ्लॉप को या एक्स फ्लिप फ्लॉप को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो वाई फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करना शुरू कर दे. मतलब फ्लिप फ्लॉप है जे के और हम उसको बनाना चाहते हैं लेट्स से टी फ्लिप फ्लॉप. तो वो जे के फ्लिप फ्लॉप पे हम टी की इनपुट दें और टी में जो इनपुट देते हैं, जो भी आउटपुट आती है, जे के हमें वही आउटपुट ला कर दे. सो यू आर गेटिंग द आइडिया बिहाइंड इट कन्वर्टिंग का, कि बेसिकली हमारे पास फ्लिप फ्लॉप कोई और दिया हुआ है लेकिन हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप वो वही रहे, जे के है फॉर एन एग्जाम्पल, वो जे के ही रहे लेकिन हम उसको बिहेवियर ऐसा चेंज कर दें कि वो टी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करना शुरू कर दे बेसिकली. तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट. तो उसके स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले तो हमें जो फ्लिप फ्लॉप जिसका बिहेवियर हमें चाहिए, जो फ्लिप फ्लॉप हम एक्चुअल में चाहते हैं, दैट फ्लिप फ्लॉप वाई, उसका हमें सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ हमें एक ट्रूथ टेबल पहले बनाना होता है. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप वाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जे के को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ट्रूथ टेबल जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका बनेगा. उसके बाद आपको ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपको जो फ्लिप फ्लॉप एक्स है उसका आपको जो आपको दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप जिसको अब आपने कन्वर्ट करना है उसका एक्साइटेशन टेबल बनाना है. लेकिन जो उसके आउटपुट कॉम्बिनेशन होंगे वो आपने वही पिक करने हैं जो ट्रूथ टेबल में बने होंगे. सो जस्ट होल्ड अप टू दिस आइडिया, डोंट गेट कन्फ्यूज हियर. जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेटर वही से समझ आएगा. और फाइनली आपको तीसरा काम है कि जो आपका एक्साइटेशन टेबल बन के आएगा उसमें जो आपकी फाइनली आउटपुट से इनपुट आप बनाओगे तो उन इनपुट्स का आपने के मैप बनाना है, के मैप से सिंप्लीफाई करना है उसको. और के मैप से सिंप्लीफाई करने के बाद जो हम कनेक्शंस बनाते हैं वो आपको बनाने हैं. तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड द कन्वर्जन. तो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस स्टेप्स. तो लेट अस से हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं. वी वांट टू कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप इन टू जे के फ्लिप फ्लॉप. मतलब हमारे पास गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है, एस आर है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू जे के फ्लिप फ्लॉप. मतलब इनपुट्स हम देंगे जे और के, फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है एस आर और ये जे के इनपुट ऑब्वियसली इसको जाएंगी और ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉक भी होगी. तो उसके बाद जो आउटपुट आनी चाहिए वो एस आर के बेसिस पे नहीं बल्कि जो हम जे और के इनपुट देते हैं उस हिसाब से ही आउटपुट आनी चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर हम जे को जीरो और के को जीरो देते हैं तो आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए. जे वन और के जीरो देते हैं तो आउटपुट वन आनी चाहिए. जे जीरो और के वन देते हैं तो आउटपुट जीरो आनी चाहिए. और जे और के दोनों वन देते हैं तो आउटपुट टॉगल हो जानी चाहिए. तो ये बिहेवियर होना चाहिए. लेकिन एस आर का बिहेवियर ऑब्वियसली डिफरेंट है. एस आर दोनों वन कर देते हैं तो रेस कंडीशन आती है. लेकिन एस आर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है हमने, हमने जे के इनपुट देने हैं और हमारी आउटपुट भी वैसी ही आएगी. तो लेट्स सी कि अब इंटरकनेक्शंस कैसे बनेंगे. कोई इंटरकनेक्शंस नहीं हमने दिए हैं यहाँ पे. एक वेग सा आपको एक ब्लैक बॉक्स व्यू दिखा दिया है कि ऐसा होगा आपका कन्वर्जन के बाद. कोई इंटरकनेक्शंस अभी नहीं किए हुए हैं.
सो लेट्स मूव अहेड। तो पहला स्टेप आपका होता है कि आपको ट्रूथ टेबल बनाना है उस फ्लिप फ्लॉप का जिसका बिहेवियर आपको चाहिए, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। तो हमने जेके में कन्वर्ट करना है तो जेके का ट्रूथ टेबल बनेगा। तो जेके का ट्रूथ टेबल ऑब्वियसली यू कैन सी हेयर, 0 0 इनपुट दे रहे हैं, करंट 0 है तो नो चेंज है। ये देखिए पहली दो नो चेंज की हैं, दूसरी दो जो है वो रीसेट की हैं क्योंकि K1 है और J0 है। तीसरी में, पांचवी और छठी में आपके J1 है और K0 है, इट मीन्स के आउटपुट सेट होगी। तो यू कैन सी आउटपुट 1 1 आ रही है एंड इन द लास्ट टू कॉम्बिनेशंस जे एंड के बोथ आर 1, तो आपकी आउटपुट टॉगल हो रही है, 0 थी तो 1 हो गई, 1 थी तो 0 हो गई। तो यू कैन मेक दैट ट्रुथ टेबल विद एन ईज। सो नाउ वी हैव टू मेक एन एक्साइटेशन टेबल, और अलग से एक्साइटेशन टेबल नहीं बनाना है, उसी ट्रुथ टेबल को एक्सटेंड किया हमने। देखिए यहाँ तक आपका ट्रुथ टेबल था जेके का, और एक्साइटेशन टेबल में हमने अब ऑब्वियसली एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, हम आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो जेके की आउटपुट आ रही हैं उसी को ही आपने एसआर की आउटपुट मान लेना है एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए। तो इन दोनों कॉलम्स को देख के ही अब हमारा एस और आर का एक्साइटेशन टेबल बनेगा। तो इफ यू कैन सी हेयर, अगर 0 करंट आउटपुट आ रही है, 0 ही हमें नेक्स्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली सेट नहीं करना है हमें, और हो सकता है कि रीसेट कर लें, और हो सकता है कि आपका नो चेंज आ जाए। अगर आप 0 रखते हैं तो नो चेंज, और 1 रखते हैं तो वो रीसेट हो जाएगा। 1 और 1 अगेन, ये इसमें आप सेट भी कर सकते हैं, नो चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए आपका एस जो है वो डोंट केयर में है और आर जो है वो 0 है। तीसरा अगेन यू कैन सी हेयर, 0 0 है, सॉरी 0 और 0 है, अगेन नो चेंज, तो वो एकदम आपका पहली रो के जैसा ही है, तो एंट्रीज भी वही रखी हुई हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्यू एन आपका 1 है, नेक्स्ट आउटपुट हमें 0 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये रीसेट की कंडीशन है, सेट 0 रीसेट 1, 0 1 ये सेट की कंडीशन है, सेट 1 रीसेट 0, 1 1 ये नो चेंज या सेट की कंडीशन हो सकती है, तो सेट आपका डोंट केयर है, रीसेट 0 है, 0 1 सेट की कंडीशन है, सेट 1 रीसेट 0, यहाँ पर लास्ट 1 और 0 रीसेट की कंडीशन है, सेट 0 और रीसेट 1 है। तो अब इसको, इन दोनों इनपुट का एस और आर, इन दोनों का हमने के में बनाना है अलग अलग सेपरेट। और इसके लिए हमने जो आपके पैरामीटर्स, जो इनपुट्स लेनी है, वो होंगी आपकी ये वाली जे के और क्यू नॉट। क्योंकि अगर आप देखें कि ट्रुथ टेबल हमने बनाया इनके बेसिस पे, ये देखिए 0 1 0 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1 एंड 4 0 4 1, तो इन तीनों के बेसिस पे ही आपका बनाया गया, ये तो आउटपुट आ रही है आपकी। तो ऑब्वियसली एस और आर इन तीनों के बेसिस पर ही डिसाइड होंगे कि एस और आर को क्या इनपुट दी जाएगी। तो ऑब्वियसली इनके बेसिस पे ही हमने फाइंड आउट करना है कि आपका के मैप सिंप्लीफाई होके क्या आता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द के मैप। तो इफ यू कैन सी, एस का ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, तो इफ यू कैन सी द एंट्रीज, ऑब्वियसली जे हमने इस साइड पर रख दिया है, ये आपका ऑब्वियसली जे कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, और ऊपर ऑब्वियसली आपका ये के होगा, के कॉम्प्लीमेंट, और क्यू कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद के कॉम्प्लीमेंट और क्यू, उसके बाद आपका के और क्यू, और लास्ट एंट्रीज के और क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अब एंट्रीज डाल रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पहली एंट्री है, क्योंकि ये ऑर्डर में ही है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 0 0 1 0 1 0 0 1, ये 0 1 2 3 4 5 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम एस को सीधा ही तौर पर हम लिख सकते हैं। तो पहले देखिए आप 0 एक्स है, और के मैप में ऑब्वियसली हमें पता है कि जो आपकी लास्ट दो कॉलम्स होते हैं, अगर 4 वाला बना है तो वो रिवर्स हो जाते हैं क्योंकि ग्रे कोड यूज़ हो रहा है इसमें। तो 0 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 और 0 यहाँ लिख दिया है, 1 x 1 और 0,
वन डोंट केयर, वन और ज़ीरो। तो अब हम इसकी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें अगर, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन ही बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जे जो है वो किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर ऊपर वो देखें आप तो एक ये है और एक ये है, इसमें आपका के कॉम्प्लीमेंट और के कैंसिल आउट हो रहा है, के भी कैंसिल आउट हो रहा है और के कॉम्प्लीमेंट भी, क्यू कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी आउटपुट देखिए एस की क्या निकल के आ रहा है एक्सप्रेशन, जे क्यू बार। सिमिलरली आप जब आर के लिए बना रहे हैं तो आर के लिए भी ऐसा ही है, आप आर की जो भी आपकी आउटपुट्स आ रही हैं आप ऐसे ही लिख सकते हैं, डोंट केयर ज़ीरो वन, डोंट केयर, डोंट केयर ज़ीरो, डोंट केयर वन, और फिर नीचे ज़ीरो 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 एंड वन। तो ये आपका ग्रुप बना है यहाँ पे, एज यू कैन सी यहाँ ऑब्वियसली आपका जे और जे कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाना है, आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, जो ऊपर आपका लगा हुआ है यहाँ पर पैरामीटर्स वो आप यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हैं। सो ऊपर अगर आप देखें तो ये आपका के और क्यू है, तो यही आपकी आउटपुट आ रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है सिंप्लीफाई होके के क्यू। तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फॉर एस एंड आर, बस आपने इस का इंटरकनेक्शन करना है टू गेट योर कन्वर्टेड जे के फ्लिप फ्लॉप आउट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो हैव अ लुक एट हियर, जे इनपुट दी थी हमने, के इनपुट दी थी, अब वो कैसे एस को क्या इनपुट देनी है हमने, एस को इनपुट देनी है जे और क्यू बार। एज यू कैन सी क्यू बार आपका यहाँ से निकल रहा है और ये हमने इनपुट दे दिया है, ये देखिए यहाँ पे जे के साथ एंड गेट से पास किया है ऑब्वियसली, क्योंकि बीच में डॉट है। सिमिलरली क्यू और के इसे एंड गेट से पास किए हैं और आर को इनपुट दे रहे हैं, और ऑब्वियसली अब आपका ये फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करेगा, चाहे ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट एनी फ्लिप फ्लॉप इनटू एनी अदर फ्लिप फ्लॉप। तो एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं छोटी सी, टी फ्लिप फ्लॉप को सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप हमें गिवन है और उसको हमने कन्वर्ट करना है टी फ्लिप फ्लॉप में, सो लेट्स गो विद इट। तो सबसे पहले हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक, किसका बनाना है, टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो टी टेबल का ट्रूथ टेबल जैसे हम बना रहे हैं, देखिए जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, चार कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, तो इसके बेसिस पे क्या आउटपुट आती है वो देख सकते हैं आप। अगर जीरो इनपुट होती है टॉगल में तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है, और अगर वन होती है तो टॉगल हो जाता है, जीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो। और अब इन दोनों आउटपुट के बेसिस पे हम डी की इनपुट डिसाइड करते हैं, डी का एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। सो यू कैन सी हेयर जीरो और जीरो, जीरो से हमें जीरो ही नेक्स्ट आउटपुट चाहिए तो डी को भी इनपुट जीरो देना पड़ता है, वन है वन ही चाहते हैं तो डी को इनपुट वन देना पड़ेगा आपको, जीरो से वन बनाना चाहते हैं तो डी को इनपुट आपको वन देना पड़ेगा, वन से जीरो बनाना चाहते हैं तो डी को इनपुट जीरो देना पड़ेगा। बेसिकली आपको जो आउटपुट चाहिए वही आप डी में इनपुट करते हो, जीरो चाहिए तो जीरो, वन चाहिए तो वन। सो नाउ मूविंग अप नेक्स्ट, तो इसका जब हम बेसिकली डी के लिए हम के मैप बनाते हैं जब इसका, तो ऑब्वियसली दो ही इसमें वेरिएबल्स हैं, कौन से, टी और क्यू। तो एक साइड आप टी रखेंगे, यहाँ पे आपका टी वेरिएबल होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट है, और एक साइड आप सॉरी यहाँ पे भी टी ही होगा, और दूसरी साइड आप क्यू रखेंगे, क्यू बार और क्यू। एज यू कैन सी ज़ीरो वन वन, तो एक वन आपका यहाँ पर आएगा और एक वन यहाँ पर आएगा, और ऑब्वियसली कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला, तब आपको सेपरेट ग्रुप ही बनाना पड़ेगा। तो आपके ग्रुप्स निकल के आएंगे, एक निकल के आएगा टी बार क्यू, जो कि इस ग्रुप से निकल के आएगा, और दूसरे ग्रुप से आपका निकल के आएगा टी क्यू बार, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट होता है ये,
ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट ये ए एक्सॉर बी के बराबर होता है, तो वी आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कि ये टी और क्यू के एक्सॉर के बराबर है। तो अब देखिए हमने क्या किया, बेसिकली जो आउटपुट आ रही थी क्यू वो हमने पीछे ले गए, उसको एक्सॉर गेट से पास किया अलॉन्ग विद योर टी इनपुट और उसको डी को फीड कर दिया है हमने, यही ऑब्वियसली हमने बनाया था। दिस इज योर डी इनपुट कि मैं आप डी के लिए सिंप्लीफाई किया था हमने, तो यू कैन सी ये आपकी आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से ऑब्वियसली आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर डी फ्लिप फ्लॉप इनटू टी फ्लिप फ्लॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स।